मैं फिर कह रहा हूं, जिसके अंदर वो ताकत नहीं है, जिसके अंदर वो जोश नहीं है, वो पीछे हट जाए, इस रण के वो लायक नहीं है। और अगर जो यहां रण लड़ने के लायक नहीं है, वो फौज के लायक नहीं है। कि फौज एक बात सिखाती है कि तन से जान तो निकले पर कभी आपके प्राण तो निकले पर कभी वचन ना निकले। ध्यान रखना साथी, या तो होगा इस बार आखिरी बार, या पेपर की खोपड़ी में कर देंगे छेद। तो दिमाग खोल के बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, रिविजन साथ के साथ होगा। अब कोई बहाना नहीं होगा इस बार, चाहे कुछ भी आप बोले, आज किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ होगा वॉर, और किस रूप में होगा, कितना बड़ा भीषण होगा ये वॉर, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। और जी हाँ, 12 घंटे की मैराथन बहुत हुई, ये पिछले साल का ट्रेंड था, इस बार कुछ बड़ा करेंगे। और तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर से अंतिम सांस ना जाए और शरीर ये ना कह दे कि भैया अब रुक जा, तब भी उसके बाद भी लड़ेंगे। क्योंकि योद्धा वही होता है जिसके सर से धड़ उतर जाए, जिसके धड़ से सर उतर जाए वो तब भी लड़ता है। तो ऐसा योद्धा हमें बनना है, क्योंकि हमारा मंजिल भी वही है, हमारा कर्म भी वही है, और आगे हमारा कर्म और धर्म भी वही होगा। तो पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे कंधों पर दो लोगों का भार नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ माँ बाप का ही भार नहीं है, हमारे कंधों पर हजारों लोगों का बोझ है। और उस बोझ को लेके हम लोग इतने दिन से आज तक जीते आ रहे थे, कभी पेपर कैंसिल, कभी ये, कभी वो, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है। क्योंकि ध्यान रखना साथियों, पहले किसने क्या किया ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अंतिम क्षणों में जो अपने पूरे ताकत लगा देगा, आप देख रहे होंगे हर योद्धा, ना केवल हर योद्धा बल्कि हर गुरु आपका पूरे जोड़ लगाए हुए है। क्यों जानते हो उसका कारण? सिर्फ इस वजह से, पढ़ाया हर किसी ने बहुत कुछ है, लेकिन क्यों फिर भी आखिरी वॉर इतने भीषण हो रहे हैं? इसका कारण है साथियों, क्योंकि कहते हैं युद्ध वही जीतता है जिसका आखिरी वॉर बड़ा भीषण होता है, और ये रण बड़ा भीषण होने वाला है। तो मैं देहरादून की इस पावन धरती से, उत्तराखंड की इस पावन धरती से सभी का वेलकम करता हूं, वेलकम एवरीबॉडी। और फिर से एक बार माता पिता के चरण स्पर्श करता हूं, सभी आशीर्वाद दीजिएगा कि आपका ये शेर जो है पीछे ना हटे और आखिरी सांस तक लड़ता रहे। और मैं आप सभी को लीड करता हूं और सभी मेरे शेर पीछे पीछे चलेंगे, और मैं आपका कमांडर, कभी पीछे नहीं हटूंगा, ये बात ध्यान रख लेना। तो तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या सभी लोग तैयार हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सभी लोग, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जवाब देना है कुछ लोगों को, उंगलियां फिर से उठी थी कुछ समय पहले, जवाब देने का समय आ चुका है साथियों। और ऐसे लोगों को स्पेशली जो कुछ करते नहीं है, उन लोगों को जवाब देने का समय आ चुका है। उंगलियां जिन्होंने उठाई थी, पत्थर जिन्होंने बरसाए थे, उन पत्थरों को जमा करने का समय आ गया है साथियों, कि पत्थर ही जवाब देंगे वापस। क्या आप तैयार हैं इस रण के लिए? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके अंदर वो ताकत नहीं है, जिसके अंदर वो जोश नहीं है, वो पीछे हट जाए, इस रण के वो लायक नहीं है। और अगर जो यहां रण लड़ने के लायक नहीं है, वो फौज के लायक नहीं है। कि फौज एक बात सिखाती है कि तन से जान तो निकले पर कभी आपके प्राण तो निकले पर कभी वचन ना निकले। ध्यान रखना साथियों, क्योंकि अगर आप आज पीछे हट गए तो जिंदगी मौका नहीं देगी बार बार, और ये मौका बार बार नहीं आएगा। पेपर में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पहले ये आज यही क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे साथ एक बार सारे बच्चे प्रेजेंस लगाएंगे। जय हिंद।